आरएमसी 2009 का सवाल है, वो भी जून का ना। अच्छा सी नाउ, एवरेज के एक दो क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी, आपको सिर्फ लैंग्वेज को मैथमेटिकली लिखना है, दैट्स इट। यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू एवरेज ऑफ अ लिस्ट ऑफ 10 नंबर्स, 10 नंबर का एवरेज आपको जीरो दिया है, तो मैं इसको पहले मैथमेटिकली तो लिख लूँ, सोल्यूशन में ऐसे लिखूंगा गिवन, मैंने कहा था गिवन ही क्वेश्चन का गिवन है। अच्छा मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, ठीक है, मैं लिखता हूँ एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज इक्वल टू जीरो। अच्छा शैल आई राइट इट इन फॉर्मूला फॉर्म, इसको मैं खोल के लिख लूँ। अच्छा एवरेज ऑफ 10 नंबर्स कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं सम ऑफ एन नंबर ऑफ एन, नहीं बेटा 10 दिया है तो एन क्यों लोगे आप, व्हेन 10 इज गिवन टू यू आई आर टेकिंग एन, तो सम ऑफ 10 नंबर्स अपॉन 10 नंबर्स अपॉन 10 इज इक्वल टू जीरो ना। तो यहाँ से अगर मैं सम ऑफ 10 नंबर्स निकालूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सम ऑफ 10 नंबर्स कितना आ जाएगा, 0 10 इंटू 0 0 आ जाएगा। इसको मैं डब्बे में बंद कर लेता हूँ आप लोग, क्या बोलते हो? यस सर। लो फिर कर लिया खुश, ठीक है। ये बेटा ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ता है, आरएमसी का पेपर है, 10-10 नंबर का सवाल है, 10-10 नंबर का लड्डू खाना है तो थोड़ा सा रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा अच्छे से। अच्छा उसके बाद अब आपसे क्या बोल रहा है, इफ 72 एंड -12 आर एडेड टू द लिस्ट, व्हाट आई हैव सेड यू यस्टरडे, मैंने कहा था जब भी आप नंबर्स को ऐड करोगे तो किसके साथ करोगे, सम के साथ, तो आप दो नंबर्स को ऐड करो बेटा, यू आर एडिंग नाउ टू नंबर्स, और वो दो नंबर्स क्या है, वो 72 और -12 है, यू आर एडिंग टू नंबर्स टू द एग्जिस्टिंग सम, तो नंबर्स टोटल 12 हो जाएंगे, तो 10 नंबर्स का सम जीरो है। अब आप बोलोगे सर नंबर का सम जीरो कैसे आ सकता है, बेटा वो नंबर प्लस और माइनस में हो सकते हैं ना, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो जीरो भी आ सकता है सम, ठीक है। आप ये मत सोचो सर 10 नंबर का सम जीरो कैसे आ गया, क्योंकि नंबर्स पॉजिटिव में भी होंगे और नेगेटिव में भी होंगे। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि नाउ इफ यू ऐड दिस टू नंबर्स, नाउ दिस टू नंबर्स, नाउ 72 एंड -12 आर एडेड देयरफॉर नाउ द सम ऑफ 12 नंबर्स, ठीक है, देयरफॉर द सम ऑफ 12 नंबर्स, सम ऑफ 12 नंबर्स विल बी हाउ मच, जीरो इज ऑलरेडी देयर, जीरो तो ऑलरेडी है, जीरो के साथ आप क्या ऐड करोगे 72 और प्लस -12, यू आर एडिंग ऑल द नंबर्स ना, 12 का साइन नेगेटिव है, क्या आएगा सम ऑफ 12 नंबर्स, सम ऑफ 12 नंबर्स, हाँ दिस विल बी 0 प्लस 72 प्लस माइनस माइनस 72 माइनस 12 विल बी 60 इज इक्वल टू 60, सम ऑफ 12 नंबर्स आ गया, उसका आपने क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, देयरफॉर एवरेज, बेटा पहले समझ लेना, लिखने से पहले यहाँ ध्यान देना, लिख तो आप लोगे बाद में, पहले एक एक स्टेप को समझ लो, देयरफॉर एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज इक्वल टू क्या होता है एवरेज का फॉर्मूला, सम ऑफ 12 नंबर्स अपॉन 12, इसको भी मैं ऐसे डब्बे में बंद कर दूंगा, देयरफॉर एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ 12 नंबर्स, ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड 60 अपॉन 12 इज इक्वल टू 5 इज योर आंसर, सिंपल, एनी डाउट, नाउ नोट इट डाउन फास्ट, जल्दी से नोट कर लो इसे। तो बेटा देखो दिखाने का तरीका इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मैंने गिवन लिखा, एक एक स्टेप लिखा, ठीक है, हाँ एवरेज मैंने इन शॉर्ट लिखा थोड़ा सा, ए बी जी चलेगा, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को अगर आप ए टी क्यू लिखोगे तो एग्जामिनर को कैसे समझ में आएगा बेटा, हाँ कुछ नोटेशंस हैं जो डिफॉल्ट नोटेशंस हैं, जो स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं, वो तो आप यूज़ कर सकते हो, जैसे देयरफॉर के लिए आप यू यूज़ कर सकते हो, देखो देयरफॉर ऐसे जैसे मैंने यूज़ किया, ठीक है, पूरा ठीक है, कुछ ऐसी नोटेशंस हैं वो आप यूज़ करो, क्योंकि वो तो नोन है ना बेटा, वो तो वर्ल्ड वाइड नोन है, आप लिखोगे वो समझ जाएगा। अच्छा डन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा है लेवल, ये तो आरएमसी का था, आरएमसी में बड़े ही चूरन सवाल आते हैं, चूरन मतलब इजी, तो ये चूरन सवाल था। अब मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अच्छे लेवल के सवाल भी करा लेता हूँ, ताकि आरएमसी के क्वेश्चंस आप इजीली कर लो, ठीक है। उसके अलावा आपका टास्क क्या है, जितने भी प्रीवियस ईयर्स में एवरेज के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे कर डालो, जितने भी एवरेज के क्वेश्चंस इन लास्ट 10 ईयर्स में पूछे हैं वो सारे कर डालो ना, अगर एक एक एग्जाम में एक एक भी पूछा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो उनको आज आपका काम है, टुडे इज योर टास्क दैट यू हैव टू कम्प्लीट ऑल लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज, ठीक है, तो ऐसे तैयारी होती है, और नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना, दैट्स इट, आगे बढ़े। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये अच्छा सवाल है, ठीक है,
क्वेश्चन लिखना. अच्छा एक और आरएमसी का कर लेते हैं. एक बच्चे ने मुझे आरएमसी की बुक दी है और कह रहे हैं कि सर ये अलग करवा लो. ठीक है, तो इसमें कुछ मंथ्स भी हैं, ईयर्स भी हैं, तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है. तो लिखना था एवरेज एज ऑफ, वही क्वेश्चन है जो हमने प्रिंसिपल वाला किया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अब आपको यूनिट्स ईयर में भी दिए और मंथ में भी दिए, तो उसको एक में चेंज करो बस, दैट्स इट. द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स. ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ. इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स, द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज 11 ईयर्स 3 मंथ्स, इज 11 ईयर्स 3 मंथ्स, which is increased by 1 year and 1.5 months when the age of teacher is included. Teacher ko add kar liya humne, when the age of teacher is included. ठीक है, कॉमा, फाइंड द एज ऑफ टीचर इन ईयर्स एंड मंथ्स. बहुत अच्छा सवाल है, इन ईयर्स एंड मंथ्स. ठीक है, आपको ईयर्स एंड मंथ्स में कैलकुलेट करना है, वो तो हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं बड़ा लास्ट में. ठीक है, ईयर्स और मंथ्स में आपने फाइनली क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द एज ऑफ टीचर. तो आप क्या करो, सबसे पहले इसको मंथ में चेंज कर लो सारी यूनिट्स. ठीक है, अच्छा एक बच्चे का आंसर आ गया है. ठीक है, वेरी गुड. आप क्या करो, उसको पहले मंथ्स में चेंज कर लो, मंथ्स को फिर ईयर में चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है, 12 से डिवाइड कर लेंगे हम. ठीक है, अच्छा लेकिन क्या गिवन क्या है पहले वो लिख लो अच्छे से. अच्छा ये आया है आरएमसी, हाँ जून 2013. ठीक है बेटा, 13 में आया है, दैट इज जून 2013. अच्छा सी अगेन गिवन, आपको दिया है एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट्स, मैं लिख लूंगा एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट्स, कितना दिया है 11 इयर्स 3 मंथ्स. अच्छा मुझे बताना एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12. ठीक है, दैट वी ऑलरेडी नो. अगर मैं इसको टोटली इफ आई कन्वर्टेड इनटू मंथ्स, तो 11 ईयर को मैं मंथ्स में चेंज कर लेता हूँ. कैसे करूँगा, 11 इंटू 12, ये तो मंथ्स आ गया, और प्लस 3 मंथ्स और बचे, तो प्लस 3 मंथ्स 135 कितने मंथ्स आ गया, 135 मंथ्स. मैंने सबको मंथ्स में कन्वर्ट कर लिया. ठीक है, इसको बाद में ईयर और मंथ्स में चेंज करना है, इट्स वेरी इजी, इसको 12 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट योर आंसर. ठीक है, वो यूनिटरी मेथड के ऊपर है बेटा. अच्छा ठीक हो गया, अब आपसे क्या बोल रहा है, ये जो एवरेज है ना बेटा, ये इंक्रीज हो जाएगा बाय 1 ईयर एंड 1.5 मंथ्स, इसको भी हम लोग मंथ्स में चेंज कर लेंगे, जब टीचर इज इंक्लूडेड. तो मैं लिख लेता हूँ, नाउ टीचर इज इंक्लूडेड, टीचर को इंक्लूड कर दिया मैंने. अगर मैंने टीचर को इंक्लूड कर दिया तो एवरेज क्या होगा, अब एवरेज बढ़ जाएगा. इसका मतलब अब किसका एवरेज होगा, अब होगा एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट्स, एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट्स प्लस टीचर ऑल्सो, नाउ टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, इज इक्वल टू 15 स्टूडेंट्स और टीचर का एवरेज कितना हो जाएगा, जितना पहले था 135 मंथ्स प्लस 1 ईयर 1.5 मंथ्स. ठीक है, मतलब 1 ईयर को अगर मैं चेंज करूँगा तो 1 into 12 मंथ्स में चेंज हो गया, प्लस 1.5 मीन्स 3/2 या 1.5 भी ले सकते हो आप, 3/2, तो ये आ गया इज इक्वल टू 135 प्लस 12 प्लस 3/2. ठीक है, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, टेक टू एलसीएम,
297 अपॉन, ठीक है, टेक टू एलसीएम बेटा, ये अपॉन वन अपॉन वन इंटू टू करोगे कितना आएगा, हाँ ये कितना आएगा 270 प्लस 24 प्लस 3 कितना आ गया 297 अपॉन टू मंथ्स, ये आ गया आपका एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट्स। आपको एज निकालनी है टीचर की बेटा, ठीक है। अब एक चीज़ देखना भाई, तो बहुत इजी है वैसे तो सवाल है, अब हमने सबको मंथ्स में चेंज कर लिया तो हमारे लिए बहुत इजी है। आपने क्या निकालनी है एज ऑफ टीचर, चलो इसको खोलते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पर, मैंने एक चीज़ कैलकुलेट नहीं करी आपके लिए, बट यहाँ से मैंने इस फॉर्मूले को खोला नहीं, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है। आप इसके नीचे करोगे एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट्स कितना है 135 मंथ्स, एवरेज का फॉर्मूला खोलोगे तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ 15 स्टूडेंट्स अपॉन 15 इज इक्वल टू 135, ये हो जाएगा ना, और यहाँ से सम ऑफ 15 स्टूडेंट्स कितना जाएगा 135 इंटू 15, ठीक है, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे डब्बे में बंद कर दिया, ये भी हमारा काम आने वाला है सम। आपने ये कहाँ करना था, ये जो स्टेप आएगा बेटा, ये स्टेप कहाँ आएगा, यहाँ पर ये स्टेप आएगा, ठीक है, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, यहाँ पर ये स्टेप आएगा। वैसे मैं इस एवरेज वाले फॉर्मूले को खोलता हूँ, मैंने कहा था ना दो ही फॉर्मूले यूज होंगे बस, तो अगर मैं इस एवरेज वाले फॉर्मूले को खोलूंगा, एवरेज ऑफ 15 प्लस टीचर का क्या जाएगा, सम ऑफ 15 प्लस टीचर अपॉन कितने हो गए टोटल 16। अब थोड़ा सा लैंग्वेज में शॉर्ट लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू कितना है 297 अपॉन 2। अच्छा सम ऑफ 15 इज ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड कितना 135 इंटू 15 प्लस टीचर वी हैव टू कैलकुलेट। अच्छा 135 इंटू 15 कितना आया था 2025 मंथ्स, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली 2025 लिख लो, 2025 प्लस टीचर अपॉन 16 इज इक्वल टू 297 अपॉन 2। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट टीचर, रेस्ट इज कैलकुलेशन। अब तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, तो आपको जैसे हमने टीचर वाला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको बढ़ा के दे रही है इसने, क्योंकि इसमें यूनिट्स उसने ईयर्स और मंथ्स यूज करी हुई आपके लिए, ठीक है। तो ये तो वैसे ही कैंसिल जाएगा 2 8 times 2 how many times 8 times, तो यहाँ से आ जाएगा 2025 प्लस टीचर इज इक्वल टू 297 इंटू 8, ठीक है, 2025 प्लस टीचर इज इक्वल टू 2376, और टीचर की एज कितनी रहेगी 351 मंथ्स, टीचर की एज आ गई 351 मंथ्स, ठीक है, टीचर की एज। ये सारा हमने बेटा मंथ्स में कैलकुलेट किया है, 2376 माइनस 2025 करोगे यू विल गेट हाउ मच 351। बस इस मंथ्स को आपने टीचर की एज को किस में कैलकुलेट करना है, ईयर्स एंड मंथ्स। अगर सिर्फ मंथ्स में पूछता तो ये आंसर होता, लेकिन मुझे ईयर्स में भी चेंज करना है। आपको पता है कि 12 मंथ्स में कितने होते हैं एक ईयर, तो यू हैव टू डिवाइड इट बाय 12, देयरफॉर टीचर एज इन ईयर्स एंड मंथ्स इज इक्वल टू 29 years 3 months, वेरी गुड, 351 अपॉन 12। आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो बेटा इसको, अगर आप सॉल्व करोगे 12 कितना 351 12 टू जा 24 रिमाइंडर इज हाउ मच, सर 11 ओके 11 वन 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 12 नाइन जा हाउ मच 108 108 रिमाइंडर विल बी 3। अच्छा तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं बेटा, इस चीज को अलग से कर रहा हूँ मैं, इस चीज को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, नीचे तो 12 रहेगा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर 29 यहाँ पर 3 सर, ठीक है। तो ये बेटा ये पूरा ईयर्स में आ गया है, ये पूरा ईयर्स में आ गया है। अगर आपको ये मंथ्स में चाहिए तो इसको आप 29 पूरा ईयर्स लिखो, ये पार्ट तो पूरा ईयर्स है, और इसको अगर आपने मंथ्स में चेंज करना है इंटू 12 कर लेना, 3 अपॉन 12 इंटू 12 ये हो जाएगा मंथ्स,
12 12 कैंसिल, तो कितना जाएगा आंसर? 29 इयर्स 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 29 इयर्स 3 मंथ्स. तो सबसे पहले यूनिट सारी मंथ्स में चेंज करो, कैलकुलेशन करो, लास्ट में अपॉन 12 कर लो, यू विल गेट योर आंसर इन इयर्स. लास्ट का जो फ्रैक्शन आया 3 बाई 12 फ्रैक्शन, ये भी इयर्स में, इसको अगर आपने मंथ्स में चेंज करना है मल्टीप्लाइड बाई 12. ओनली दिस फ्रैक्शन, दिस 29 इज कम्प्लीट इन ईयर्स. इसका मतलब क्या है कि 29 तो कम्प्लीट है, उसके साथ ये कुछ पार्ट है ना 3 बाई 12 जो एक कम्प्लीट ईयर नहीं है. तो ईयर से छोटी यूनिट क्या होती है? मंथ. तो 3 बाई 12 को मंथ्स में कैसे चेंज करूँगा भाई? जैसे 1 बाई 2 एक से कम है ना, समझ रहे हो ना? 1 बाई 2 जैसे वन डे होता है, वन डे, तो 1 बाई 2 इज हाफ ना. तो डे से छोटी यूनिट क्या होगी? आवर्स. तो इसको फिर आप आवर्स में कैसे लिखोगे वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है? इनटू कितना करोगे? 24 आवर्स. तो कितना जाएगा? 12 आवर्स. उसी तरीके से ये जो फ्रैक्शन है 3 बाई 12 ईयर्स को, इसको हमने छोटी यूनिट में चेंज करना है. ईयर से छोटी यूनिट मंथ्स, और एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12. तो ईयर को हटा के 12 इनटू 12 कर दो, यू विल गेट योर आंसर. सो द आंसर इज 29 ईयर्स 3 मंथ्स. तो आरएमसी के क्वेश्चंस दे आर नॉट टफ, बट कैलकुलेशन इज देयर. और इसी कैलकुलेशन की तो आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वहाँ पर यू विल नॉट कंज्यूम लॉट्स ऑफ टाइम. वहाँ पर आपने इसको एज सून एज पॉसिबल करना है बेटा. तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपने पहले करे हैं तो आपके लिए एग्जाम में बड़ा ईजी जाएगा इसको जल्दी अटेम्प्ट करना, ठीक है? जल्दी नोट करो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं. डन? यस सर. ईयर वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं, ईयर वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं इसे, बट पॉइंट में लेके नहीं बेटा, फ्रैक्शन में लेके करना. ईयर वाइज भी इजी होगा, आप फ्रैक्शंस लेते हुए करना इसको, ठीक है? आप इसको पॉइंट में मत करना, फ्रैक्शंस लेते हुए करना, अगेन इट विल बी इजी. हमने लास्ट टाइम इसको ईयर्स करते हुए किया था, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन ईयर्स करते हुए. तो आज आप लोगों का होमवर्क क्या है? इसको ईयर्स में कन्वर्ट करो बस. इसको भी ईयर में कन्वर्ट कर लो, और इसको भी ईयर में कन्वर्ट कर लो. ईयर में कैसे करोगे? अपॉन 12 कर लोगे, ओके? तो फ्रैक्शन में आएगा, और लास्ट में यू विल गेट योर आंसर इन ईयर्स, ठीक है? और उसको आप चेंज कर लेना, जो उसका फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा उसको डायरेक्टली इसमें चेंज कर लेना मंथ्स में, ठीक है? तो ये मंथ्स में आया था बेटा आंसर, लेकिन हमें चाहिए था ईयर्स में. सो 29 ईयर्स 3 मंथ्स. चलो फास्ट, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन नाउ, ठीक है? एवरेज का लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन, रेस्ट इज कैलकुलेशन. लैंग्वेज को अगर आपने मैथमेटिकली लिख दिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया. आगे बढ़े, नोट कर लिया? मिटाओ से. रेडी? रेडी बेटा, आर यू रेडी? नहीं लिखा बेटा आपने, कहाँ लिखा आपने? क्या ठीक है, मिटा दूँ? जल्दी नोट करो, मैं सिर्फ क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, मैं नया क्वेश्चन लिख रहा हूँ. लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एवरेज का, और बहुत आसान सवाल है, देखते हैं कौन इस लैंग्वेज को समझता है. लिखना सचिन तेंदुलकर, ये आरएमसी में नहीं आया, लेकिन अच्छा अच्छा सवाल है, अगेन एवरेज का सवाल है, ठीक है? आरएमसी में तो नहीं आया लेकिन आ सकता है. तो क्वेश्चन क्या है? सचिन तेंदुलकर, आप चाहो तो विराट कोहली भी लिख सकते हो, हैज अ, और जिसको धोनी लिखना है यू कैन राइट धोनी, हैज अ सर्टेन एवरेज, हैज अ सर्टेन एवरेज. और किसी को अगर ये सब पसंद नहीं है तो फिर वो मेरा नाम लिख सकता है, हैज अ सर्टेन एवरेज फॉर नाइन इनिंग्स, ठीक है? तो सचिन ने नाइन इनिंग्स खेली, अलग अलग गेम्स खेले उसने, ठीक है? फर्स्ट इनिंग, सेकेंड इनिंग, थर्ड इनिंग, नाइन इनिंग्स खेली उसने, और एक सर्टेन एवरेज के साथ खेली, मतलब उसके नाइन इनिंग्स का कुछ एवरेज होगा, ठीक है? ओके, फुल स्टॉप. क्या बोल रहा है आपसे? आपसे बोल रहा है इन द टेंथ इनिंग, बड़ा अच्छा सवाल है, इन द टेंथ इनिंग ही स्कोर्ड 100 रन्स, इन द टेंथ इनिंग ही स्कोर्ड 100 रन्स, thereby increasing his average by 8 runs. find his new average.
Find his new average. क्वेश्चन लिख लो पहले, पहले ट्राई करो गिवन क्या क्या है देखो. फिर एक क्वेश्चन है आपको होमवर्क के लिए दे सकता हूँ मैं, ठीक है? क्या है आंसर? 28 रन्स. ओके, ठीक है. अच्छा, 9 इनिंग्स तक उसका कुछ एवरेज था. उस एवरेज को आप कुछ भी मान सकते हो, यू कैन टेक इट एज एक्स वाई जेड एनीथिंग, ठीक है. तो सचिन तेंदुलकर का एवरेज था 9 इनिंग्स तक का कुछ, उसको आप कुछ कुछ भी ले सकते हो. उसके बाद जब वो कुछ निकालोगे तभी तो न्यू एवरेज निकालोगे. पुराना एवरेज पता ही नहीं, नया कैसे निकालोगे? मैंने बेटा एक चीज़ आपको बताई, अगर वो कभी भी ऐसा बोलता है क्वेश्चन में कि आफ्टर 5 ईयर्स, किसी की एज के लिए अगर वो आफ्टर 5 ईयर्स बोलता है तो पहले उसकी प्रेजेंट एज ले लो कुछ भी. अगर आप प्रेजेंट एज एक्स ले लोगे तो आफ्टर 5 ईयर्स कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 5. तो क्वेश्चन ऐसे ईजी हो जाता है. तो वैसे ही अगर वो बात का एवरेज कह रहा है कि बात का एवरेज उसका बढ़ रहा है बाय 8 रन्स, सो यू शुड टेक सम एवरेज, सम सर्टेन एवरेज फर्स्ट, जो उसका पुराना एवरेज है, ठीक है. बच्चे थोड़ा हैरान परेशान लग रहे हैं, हाँ शक्ल से है, लेकिन ट्राई नहीं कर रहे हैं. यहाँ वहाँ एक दूसरे की कॉपीज में देख रहे हैं, ट्राई नहीं करेंगे. लेकिन अगेन बेटा, दो फॉर्मूले से ऊपर कुछ यूज़ नहीं होगा. लैंग्वेज लगता है टफ है, बट है कुछ भी नहीं. कोई इसमें क्रिकेट का फंडा नहीं है, ये मत सोचना कि जो बच्चे क्रिकेट देखते हैं वही कर पा रहे हैं. नॉर्मल फंडा है. हाँ, अगर आपसे बॉलिंग एवरेज पूछता तो वहाँ पर थोड़ा सा एक फंडा है, ठीक है. बॉलिंग एवरेज होता है रन्स कंसीडेड अपॉन विकेट्स टेकन. अगर किसी बॉलर का हम एवरेज निकालते हैं ना, जो बॉलिंग करता है, उसने कितने रन पिटवाए अपॉन कितने विकेट्स लिए, वो होता है बॉलिंग एवरेज. वो अलग चीज़ है, ठीक है. बाकी तो इट्स वेरी इजी. अच्छा, गिवन क्या है? नहीं आ रहा बेटा. हाँ, अच्छा, गिवन क्या है? आपसे बोल रहा है 9 इनिंग्स तक, ठीक है. तो एवरेज ऑफ 9 इनिंग्स कितना हो जाएगा? एवरेज ऑफ 9 इनिंग्स एक्स ले लो, तो यहाँ पर लेट लिख लो, लेट एवरेज ऑफ 9 इनिंग्स इज इक्वल टू एक्स. अच्छा, इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ. 9 इनिंग्स का एवरेज मतलब जितना उसने रन मारे होंगे उसका सम करूंगा. इसका मतलब सम ऑफ रन्स ऑफ 9 इनिंग्स अपॉन कितना लूं? 9 ही तो लूंगा, 9 इनिंग्स, ठीक है. अच्छा, फर्स्ट इनिंग्स में जब उसने खेला होगा तो कुछ रन्स बनाए होंगे, फिर सेकंड इनिंग्स में कुछ रन बनाए होंगे. 9 इनिंग्स का एवरेज मतलब उन सारे रन्स को मैंने ऐड कर लिया, अपॉन 9 कर दिया, इज इक्वल टू एक्स. तो यहाँ से सम ऑफ रन्स ऑफ 9 इनिंग्स आ जाएगा. सम ऑफ रन्स, बेटा हम क्या कर रहे हैं? हम एवरेज का फॉर्मूला लगा रहे हैं, सम निकाल रहे हैं, फिर दूसरी कंडीशन में फॉर्मूला लगा रहे हैं, सम निकाल रहे हैं, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, आंसर निकाल रहे हैं हर क्वेश्चन में. सम ऑफ रन्स ऑफ 9 इनिंग्स इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स, 9x. इसको डब्बे में बंद कर लेना, ठीक है. इसको डब्बे में बंद कर लेना. हर क्वेश्चन में बेटा सेम चीज कर रहे हैं हम लोग, हर क्वेश्चन में. अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा क्वेश्चन में. अब वो कह रहा है इन द 10th इनिंग, 10th पर्टिकुलर इनिंग, इन द 10th इनिंग ही स्कोर्ड 100 रन्स. तो अब ये जो गिवन है देख लेते हैं, ठीक है. अब क्या दिया है मुझे गिवन? गिवन दिया है 10th इनिंग रन्स इन 10th इनिंग. हाँ भाई, कितने? 100. सचिन ने सेंचुरी मार दी भैया 10वीं इनिंग में, ठीक है. और उसका एवरेज 8 रन से बढ़ गया. पहले कितना एवरेज था? एक्स. इसका मतलब अब उसका एवरेज 10 इनिंग्स के बाद कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 8. देयरफॉर एवरेज ऑफ 10 इनिंग्स. अब मैं पूरा ले रहा हूँ बेटा, ये सिर्फ 10th नहीं ले रहा हूँ मैं, पूरे 1 to 10 टोटल एवरेज ऑफ 10 इनिंग्स. 10 इनिंग्स का एवरेज कितना हो जाएगा? पहले एक्स था 9 इनिंग्स तक का, अब 8 से बढ़ गया वो 8 रन से. उसको मैथमेटिकली लिख दिया. अब क्या करूँगा? एवरेज का फॉर्मूला खोलूंगा. तो बेटा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सम ऑफ, अच्छा, एवरेज ऑफ 10 इनिंग्स मतलब 10 इनिंग्स के रन का टोटल. तो कैसे करूंगा? सम ऑफ 9 इनिंग्स प्लस 10th इनिंग प्लस रन्स इन 10th इनिंग ना. तो बेटा 9 इनिंग्स के रन्स, सम ऑफ 9 इनिंग्स रन्स प्लस
10 inning runs upon 10. Total kitne innings ho gayi hain? 10. Is equal to? Explained. That's it. Achha, sum of 9 innings runs we already know. How much? 9x. Plus 10th inning ke runs? 100 mara isne upon 10. Is equal to x plus 8. Arre, sir, ye tum foundation mein hi to karte hain cross multiplication. Yes sir. Ye to karte hain foundation class mein sir hum. Bas x nikal lo. X aa jayega to aapko kya nikalna hai? You have to find his new average. And new average is how much? X plus 8. To x ki jo bhi value aayi plus 8 kar dena, you will get your answer. 9 ki jagah 10. Kahan par 9 ki jagah? Sir, agree. Kahan par? Yahan par. 9 ki jagah? Beta, abhi 10th innings ho chuki hai na? सचिन ने 9 मैचेस यहाँ खेले, एक मैच और खेल लिया, अब तो टोटल 10 मैचेस हो गए उसके. इनिंग्स ना कहते हुए इसको मैं मैचेस कह रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा. yes, sir. नहीं आ रहा समझ में? yeah. बेटा 9 मैचेस तक मेरा एवरेज कितना था? x. अब मैंने 10वां मैच खेला, 10वें में मैंने सेंचुरी मार दी ना. अब मुझे क्या निकालना है? मुझे एवरेज निकालना है टोटल 10 मैचेस का. तो टोटल 10 मैचेस का एवरेज लिखा बेटा मैंने. टोटल 10 मैचेस का एवरेज कितना हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पर 9 लिखता तो 9 का एवरेज तो ऑलरेडी मुझे पता है x है. तो 10 मैचेस का एवरेज कितना है? उसने बोला है बेटा एवरेज आपका 8 रन से बढ़ गया है. yes, तो x जो पहले एवरेज था मैंने प्लस 8 करा. sir, और x 20 आ गया बच्चा. yes, कह रहा है sir. पक्का? yes, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो करना है यार. 9x plus 100 is equal to 10x plus 80. x will be equal to 20. yes, sir. x 20 आ गया. न्यू एवरेज कितना हो जाएगा? x plus 8. ये था बेटा न्यू एवरेज, एवरेज ऑफ 10th इनिंग. देयरफॉर न्यू एवरेज इज इक्वल टू एक्स प्लस 8. 20 प्लस 8 28. दैट्स इट. क्या करा? कुछ नया करा क्या? नो सर. कुछ नया सीखने को मिला? यस सर. बेटा क्या मिला? वही चीज तो कर रहे हैं. हाँ, लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा लैंग्वेज मुझे समझनी है ना. ये चीज समझनी है कि कौन से चीज़ें कहाँ ऐड करनी है. एवरेज yes. वो कह रहा है कि 8 से बढ़ गया तो प्लस 8 कर देना है. अगर वो 1 से घट गया बोलता तो मैं माइनस 1 कर लेता. दैट्स इट. तो जो जो कह रहा है अगर मैंने उसको मैथमेटिकली लिख दिया तो बल्ले बल्ले. और अगर मैं इसको क्वेश्चन को नहीं इंटरप्रेट कर पाया और मैंने मैथमेटिकली कुछ चीज़ गलत लिख दिया तो आई गेट 0. जल्दी नोट करो. हाँ जल्दी करो बेटा. पहले ये मेथड कर लो, दूसरा मेथड घर पे ट्राई करना. अभी इसको जल्दी से कॉपी करो. अगर आपको कोई दूसरा मेथड अप्लाई करना है तो वो घर पे ट्राई करना, तभी तो सीखोगे. देन ओनली यू विल लर्न. ठीक है? आप घर पे दूसरे मेथड भी अप्लाई करो लेकिन वो घर पे, अभी यहाँ पर नहीं, क्योंकि अभी मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ. अच्छा अगला सवाल लिखना बेटा. राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये लास्ट है एवरेज का. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एवरेज, बॉलर एवरेज वाला. अभी मैं बता रहा हूँ एक बॉलर का एवरेज क्या होता है, जितने वो रन पिटवाता है अपॉन विकेट्स टेकन. ठीक है? इस नए क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है. अच्छा क्वेश्चन है, आरएमसी में तो अभी तक पूछा नहीं गया, बट मैं चाहता हूँ कि बच्चों को आए ना. बाकी रेस्ट इज लैंग्वेज. ठीक है? इसे मिटा रहा हूँ मैं, सिर्फ क्वेश्चन मिटा रहा हूँ मैं. और मैं आप लोग के लिए लिख रहा हूँ. आप लोग के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ? आप लोग के लिए मैं लिख रहा हूँ कि बॉलिंग एवरेज is nothing but runs conceded upon wickets taken. आप runs upon wickets भी लिख सकते हो. किसी बॉलर का एवरेज कैसे निकालेंगे? उसने कितने रन पिटवाए अपॉन कितने विकेट्स लिए. सपोज अगर मैं बॉलर हूँ, हाँ, और मैंने अगर 100 रन पिटवाए और 10 विकेट्स लिए तो मेरा एवरेज क्या होगा? 10. तो बस ये आना चाहिए बस आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए. तो क्वेश्चन लिखे. yes, sir. Yes, sir. बच्चे हिंदी में भी लिख रहे हैं, रन पिटवाना. वेरी गुड. अच्छा चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं. ठीक है? ये पक्का? yes, ये कर लिया? yes. ठीक है, जितने भी आए सारे का डालना. ठीक है? अ मैन हूज, तो इस बार चांसेस आने के. अ मैन हूज बहुत, और हमने बहुत ज्यादा कर लिया बेटा क्वेश्चन से. हूज बॉलिंग एवरेज, a man whose bowling average is 12.4 takes
5 wickets, takes 5 wickets for 26 runs. A man whose bowling average is, एक इंसान जिसका bowling average कितना है 12.4, उसने कोई मैच खेला होगा, उसने उसमें 5 wickets लिए for 26 रन का मतलब है 26 रन पिटवाए उस इंडिविजुअल मैच के लिए. उससे पहले उसका एवरेज, सपोज मैं एक बॉलर हूँ और मैं बॉलिंग करवाते आ रहा हूँ बहुत टाइम से और विकेट्स भी ले रहा हूँ, तो मेरा जो एवरेज चल रहा है वो चल रहा है 12.4. अब मैंने एक नया मैच खेला, उस नए मैच में मैंने 5 विकेट्स लिए और 26 रन्स मैंने पिटवाए, ठीक है, और इसके वजह से मेरा जो एवरेज है वो घट गया. मतलब मेरी जो परफॉर्मेंस थी ये अच्छी नहीं थी, मैंने विकेट्स भी कम लिए और रन ज़्यादा पिटवाए, ठीक है, तो मेरा एवरेज घट गया. देयरफॉर डिक्रीजेस हिज एवरेज बाय .4. तो मेरा एवरेज 0.4 से घट गया. Find the number of wickets taken by him before his last match. तो आपको क्या करना है, last match से पहले जिसमें मैंने 5 wickets लिए हैं, इससे पहले मैंने कितने विकेट्स ले लिए थे वो निकालना है. यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ विकेट्स व्हिच आई हैव टेकन बिफोर दिस लास्ट मैच, ठीक है, इस लास्ट मैच से पहले. पहले मैंने, जब मेरा एवरेज 12.4 था, उस वक्त मैंने कितने विकेट्स लिए. तो यू शुड नो दिस फॉर्मूला यार, बस. तो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, अ मैन जिसका बॉलिंग एवरेज है, तो बॉलिंग एवरेज इज इक्वल टू 12.4 लिखो, रन्स अपॉन विकेट करके करो आंसर. करो जल्दी, ट्राई करो. हाँ, यू शुड नो दिस, बट हाँ, इसको अच्छे से डब्बे में बंद करके स्टार लगा देना ऊपर, ये आपके आगे काम आएगा, ठीक है, जब आप लेटर ऑन हायर क्लासेस में जाओगे देन दिस फंडा विल कम. बेसिक फंडा तो सेम है, जल्दी करो बेटा. गिवन क्या गिवन है मुझे, एवरेज, क्या कौन सा एवरेज होगी, बॉलिंग एवरेज कितना गिवन है, 12.4. फॉर्मूला खोलना है, ये तो कर रहा हूँ मैं हर क्वेश्चन में, फॉर्मूला खोल देता हूँ. फॉर्मूला क्या खोलूँगा, वो ऊपर लिखा है, यहाँ पर लिखूँगा रन्स अपॉन विकेट्स, रन्स कंसीडर्ड भी नहीं लिख रहा हूँ मैं, रन्स अपॉन विकेट्स लिख रहा हूँ, या आर अपॉन डब्ल्यू भी लिख सकता हूँ. रन्स अपॉन विकेट्स कितने हो जाएंगे, 12.4. अच्छा, रन्स अपॉन डब्ल्यू लिख रहा हूँ मैं, विकेट्स को डब्ल्यू लिख सकता हूँ. ये कौन से विकेट्स होंगे जो उसने लास्ट मैच से पहले खेले होंगे ना भाई, ये तो अभी तो मैं नीचे क्वेश्चन में आया नहीं, अभी तो मैंने जो एवरेज कौन सा लिखा है, ये तो एवरेज है मेरा 12.4, ये कौन सा एवरेज है मेरा जो मैंने अभी मैच खेला उससे पहले का एवरेज है, तो ये जो विकेट्स होंगे उससे पहले के होंगे. अच्छा, तो यहाँ से रन्स कितना आ जाएंगे मेरे, रन्स आ जाएंगे इज इक्वल टू 12.4 इनटू डब्ल्यू, सो 12.4 डब्ल्यू, इसको डब्बे में बंद कर लेता हूँ. नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है ना बेटा, सेम ही तो है. अच्छा, आंसर नहीं आया, डोंट गो फॉर आंसर बेटा, सबसे पहले आप समझो, आंसर तो ऑटोमेटिकली आएगा. अच्छा ठीक है, मैं वही कर रहा हूँ सेम प्रोसेस, मैंने इसको डब्बे में बंद कर दिया, अब से आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मुझे अगला पढ़ना पड़ेगा. एंड टेक्स 5 विकेट्स. अब उसने जो ये नया मैच खेला, जो उसका लास्ट मैच था, इन हिज लास्ट मैच, मैं लिख लेता हूँ ठीक है, इन हिज लास्ट मैच अपनी लास्ट मैच में इसने कितने विकेट्स लिए बेटा, कितने विकेट्स लिए इसने, 5 विकेट्स चटकाए और कितने रन्स पिटवाए, 26 रन्स. क्या बोलते हो ना, और अब इसका एवरेज क्या हो चुका है, घट चुका है बेटा. देयरफॉर नाउ एवरेज इज डिक्रीज्ड बाय 0.4. मतलब पहले एवरेज कितना था इसका, 12.4, तो 0.4 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12. देयरफॉर एवरेज इज इक्वल टू 12 माइनस 0.4, ठीक है, मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, मतलब बाउलिंग एवरेज
12.4 माइनस 0.4 तो बॉलिंग एवरेज कितना आ गया 12। इसको खोल देता हूँ बेटा फॉर्मूले की तरह। ये बॉलिंग एवरेज कौन सा बॉलिंग एवरेज है? लास्ट मैच के बाद। तो बॉलिंग एवरेज क्या होगा? फिर से रन्स, रन्स, और ये रन्स कौन से होंगे? टोटल रन्स। तो ये पुराने वाले रन्स प्लस जो नए रन्स थे कितने? 26। बेटा अब ये लास्ट मैच के बाद वाला एवरेज है तो मुझे टोटल रन्स लेने पड़ेंगे। अभी तक के मैंने कितने रन्स, जो पुराने रन्स थे उसके साथ जो नए रन्स अभी मैंने जो पिटवाए हैं, अपॉन विकेट्स। पुराने विकेट्स कितने थे मेरे? पुराने विकेट्स थे W, W प्लस नए विकेट्स कितने हैं? 5। इसमें ऐड करूंगा। बेटा समझना है ना। अब ये जो बॉलिंग एवरेज आया ये आया है अब जब मैंने लास्ट मैच खेल दिया। पहले मेरे कितने विकेट्स थे? W। अब विकेट्स मैंने 5 और ले लिए तो कितने जाएंगे? W प्लस 5। पहले मेरे पास X रुपीस थे, अब मेरे पास 10 रुपीस और आ गए तो कितने हो गए? X प्लस 10। वैसे ही मेरे पुराने विकेट्स थे W, मैंने 5 विकेट्स और ले लिए तो कितने हो गए? W प्लस 5। रन्स भी वही, पुराने रन्स में अगर मैं नए रन्स तो जोड़ूंगा ना बेटा, टोटल रन्स। पुराने रन्स कितने थे मेरे? 12.4 इंटू W, और नए कितने? इतना इज इक्वल टू कितना? 12। अरे वैल्यू रखो भैया रन्स की, रन्स की वैल्यू कितनी है? 12.4 W। तो रन्स की जगह मैंने रख दिया 12.4 W प्लस 26 अपॉन W प्लस 5 इज इक्वल टू 12। अरे W निकालना है, W तो निकालना है क्वेश्चन में। क्या निकालना है? फाइंड द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर हिज लास्ट मैच। और बिफोर हिज लास्ट मैच में कितने विकेट्स थे उसके W? क्योंकि लास्ट मैच में तो फिर W प्लस 5 जाएगा। बस दैट्स इट, यू हैव टू फाइंड W। कितना आ रहा? व्हाट इज द आंसर? हाँ व्हाट इज द आंसर? 85 इज द राइट आंसर, 85 इज द राइट आंसर। अरे भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन W है ये W, इसकी जगह X होता तो एक ही बात है। हमने विकेट्स को W माना, आप X भी मान सकते थे। W के लिए सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 12.4 W प्लस 26 इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12W प्लस 60। 12W यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 0.4W इज इक्वल टू 60 माइनस, हाँ ठीक है, तो 0.4W इज इक्वल टू 34। और W will be equal to 34 upon 0.4, ठीक है? हाँ 0.4 को 4 upon 10 लिख सकते हो आप। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो एक ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, एंड W will be equal to 4 से, हाँ 8 4 से 32, 20 बचा फिर 85। सो विकेट्स टेकन बिफोर हिज लास्ट मैच इज इक्वल टू 85। तो बेटा ये भी आसान है, ये भी आसान है, बट यू शुड नो कि बॉलिंग एवरेज होता क्या है। रेस्ट इज कैलकुलेशन बेटा, देयरफॉर लिख लेना लास्ट में। देयरफॉर नंबर ऑफ विकेट्स, नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बिफोर हिज लास्ट मैच इज इक्वल टू 85। बेटा आई हैव फिनिश्ड एवरेज चैप्टर, लेकिन आपका शुरू हुआ है, मेरा खत्म हुआ है, आपका शुरू हुआ है। इसका मतलब अब आपको प्रैक्टिस करनी है, यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट। वी हैव सीन ऑल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, ओनली दो फॉर्मूलाज आर देयर, टू फॉर्मूलाज, दैट्स इट, ओनली टू फॉर्मूलाज आर देयर। टू भी नहीं बेटा, एक ही है वो एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन एन, उसी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीखते हैं। इसको नोट करो पहले, ठीक है?